हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो हरियाणा रोडवेज़ के अंदर या तो ड्राइवर की जॉब करना चाहते हैं या फिर कंडक्टर की जॉब वो पाना चाहते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिनको एज ए ड्राइवर या एज ए कंडक्टर जॉब करनी है हरियाणा रोडवेज़ के अंदर, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूँ, जो कि वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ, और बहुत स्पेशल वीडियो रहने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल के कंटेंट को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि बहुत सारा बेनिफिशियल कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या है वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसमें हरियाणा रोडवेज़ की तरफ से एक 5 दिन का लघु अवधीय कोर्स करवाया जा रहा है ड्राइवर्स को भी और कंडक्टर्स को भी। तो जो जो व्यक्ति एज ए ड्राइवर या कंडक्टर की जॉब करना चाहते हैं हरियाणा रोडवेज़ के अंदर, उनको सबसे पहले ये 5 दिन का कोर्स जो है करना होगा। उसके बाद उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो वेबसाइट है उस पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। तो ये जो कोर्स है, 5 दिन का जो कोर्स रहने वाला है, इसके लिए अभी हर एक ज़िले का जो हरियाणा राज्य परिवहन विभाग है, जैसे कि कैथल ज़िला, चंडीगढ़ ज़िला है या फिर अम्बाला ज़िला, तो इस तरह से हर एक ज़िले की तरफ से ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है 5 दिन के कोर्स के लिए, जिनकी जो समय सारिणी है जो वो डिफरेंट डिफरेंट रहने वाली है। जैसे कि कुछ ज़िलों के अंदर 18/4/2022 इसकी लास्ट डेट है, तो कुछ ज़िलों के अंदर 20/4/2022 लास्ट डेट है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं 3 जिलों के आपको बताने वाला हूँ, जिसमें कैथल ज़िला है, अम्बाला है और चंडीगढ़ है। तो इन ज़िलों की तरफ से जो हरियाणा राज्य परिवहन का जो विभाग है या हरियाणा रोडवेज़ का विभाग है, उसकी तरफ से 5 दिन का लघु अवधीय कोर्स करवाया जाएगा ड्राइवर्स को भी और कंडक्टर्स को भी। तो इसके लिए जो योग्यता मांगी गई है, 10वीं पास कैंडिडेट का होना अनिवार्य है। और अगर आप ड्राइवर की जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 3 साल पुराना हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और अगर आप कंडक्टर की जॉब पाना चाहते हैं तो उसके लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली। जब आप ये 5 दिन का कोर्स कर लेंगे तो आपका एक जो है टेस्ट होगा, जैसे कि ड्राइवर्स के लिए डग टेस्ट बोलते हैं या रोड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो करवाया जाएगा। और जो जो कैंडिडेट्स उसमें उत्तीर्ण होते हैं या पास होते हैं तो उनको एक जो है सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद उन कैंडिडेट्स को अपने आप को हरियाणा कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट पर रजिस्टर करवाना है। तो जैसे ही हरियाणा रोडवेज के अंदर कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे वो ड्राइवर की हो या फिर कंडक्टर की हो, तो ऐसे कैंडिडेट जिनके पास ये सर्टिफिकेट होगा और जिन्होंने अपने आप को हरियाणा रोजगार कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट पर रजिस्टर करवाया होगा, तो उन कैंडिडेट्स को सबसे पहले वो जॉब दी जाएगी। तो ऐसा इन नोटिफिकेशन में लिखा गया है। तो आइए देख लेते हैं, जैसे कि ये जो है अम्बाला ज़िले का है, इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 18/4/2022 दी गई है अम्बाला के लिए। उसके बाद है ये चंडीगढ़ का है, चंडीगढ़ में 20/4/2022 तक आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करवा सकते हैं, और ये जो कोर्स है पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जो है वो कोर्स करवाया जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो यहाँ पर 10वीं पास मांगी गई है, 10वीं पास होना ज़रूरी है ड्राइवर के लिए। उसके बाद 3 साल का जो है अनुभव होना चाहिए आपका, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, मेडिकली फिट होना ज़रूरी है, हिंदी और संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए मैट्रिक स्टैंडर्ड तक, परिवार पहचान पत्र होना चाहिए, और 18 से 42 साल तक के कैंडिडेट ये कोर्स कर सकते हैं। उसी तरह से परिचालक या कंडक्टर के पद के लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है, परिचालक अनुज्ञप्ति पत्र होना आपके पास ज़रूरी है, हिंदी और संस्कृत की जानकारी होनी चाहिए, और 18 से 42 साल जो है उम्र होनी चाहिए, परिवार पहचान पत्र यहाँ पर मांगा गया है। ऐसे ही जो कैथल ज़िला है हमारा, कैथल ज़िले में जो डेट रहने वाली है वो 18/4/2022 18 अप्रैल 2022 तक आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स सहित जो है हरियाणा राज्य परिवहन कैथल
में रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपको जो है कोर्स में शामिल किया जाएगा। कोर्स में शामिल होने के बाद 5 दिन तक आपको कोर्स करवाया जाएगा, फुली ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट में जो जो कैंडिडेट्स पास होंगे उनको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और उस सर्टिफिकेट की वैल्यू आने वाले दिनों में बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे ही कोई जॉब निकलती है हरियाणा रोडवेज के अंदर तो उन सर्टिफिकेट धारकों को सबसे पहले वहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उन व्यक्तियों के लिए जो ड्राइवर या कंडक्टर लगना चाहते हैं हरियाणा रोडवेज के अंदर। तो होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नए वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।